मैं हूं नीता मिश्रा। भंडारा के कुख्यात अपराधी भोला सिंह और उसकी भाई की हत्या के साजिश रचने मामले में बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दिया है। आपको बता दें कि कल भंडारा कोर्ट में पुलिस ने उनके खिलाफ 150 पन्नों का चार्जशीट पेश कर दिया है, साथ ही साथ 12 गवाहों का रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें भोला सिंह, जो भंडारा का कुख्यात अपराधी माना जाता है, उसका और उसके भाई मुकेश सिंह के हत्या की साजिश रचने का पूरा प्लान किया गया था और इस प्लानिंग में अनंत सिंह का नाम सबसे आगे आया था। 3 सूत्रों की गिरफ्तारी हुई थी और फिर एक ऑडियो वायरल हुआ था और उस वायरल ऑडियो की आवाज़ अनंत सिंह की आवाज़ है, पुलिस को ऐसा शक था, जिसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह का वॉइस टेस्ट लिया और वॉइस टेस्ट में अनंत सिंह की आवाज़ उससे शूटर का जो मोबाइल में जो आवाज़ था उससे मैच कर गया, यानी सारे सबूत अनंत सिंह के खिलाफ हो गए। अनंत सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने भोला सिंह की हत्या की साजिश रचने का पूरा प्लान किया था। उसके बाद अनंत सिंह के खिलाफ पुलिस ने एक एक कर सारे सबूत को इकट्ठा किया और अब पूरी जांच पड़ताल खत्म करने के बाद 150 पन्नों का चार्जशीट कोर्ट में पुलिस ने पेश कर दिया है, साथ ही साथ 12 नामों को भी पेश किया है जो अनंत सिंह के खिलाफ गवाही देंगे। आपको बता दें कि इनमें से एक नाम भोला सिंह के भाई मुकेश सिंह का है और साथ ही साथ एक थाना प्रभारी भी है। कुल मिला के 12 नामों को रिकॉर्ड कोर्ट में पेश कर दिया गया है और अब अनंत सिंह का ट्रायल शुरू किया जाएगा। तो अनंत सिंह की मुश्किलें अब कुल मिला के बढ़ने वाली है, क्योंकि अब पहले से ही AK-47 मामले में वो पटना के बेउर जेल में बंद है और दूसरा मामला जो वायरल ऑडियो मामला है उसके खिलाफ भी सारे सबूत इकट्ठा हो गए हैं, कोर्ट में पेश हो गए हैं। अब ट्रायल की शुरुआत होगी और अनंत सिंह की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। तो सारे सबूत, सारे गवाह अनंत सिंह के खिलाफ कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अगला कदम कोर्ट का क्या होता है, प्रशासन अगला कदम क्या कुछ अनंत सिंह के खिलाफ उठाता है। तो तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ABNews के साथ, साथ ही साथ हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।